सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? घर के अंदर ही रहते हैं ना? बहुत अच्छे। चलिए, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो निकालिए अपनी अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, बुक और बताइए पिछले क्लास में आप क्या पढ़े थे। हाँ, पिछले क्लास में आप पढ़े थे 21 पेज नंबर हिंदी की बुक से स्वर मौली। देखिए, निकालिए आप भी, निकालिए, प्लस नोटबुक भी निकालिएगा। अब हमें क्या पढ़ना है ये बताएंगे हम। कल आप पढ़े थे सूरज निकला जो कविता है, उसी से पढ़े थे। तो उसे पिछले क्लास में हम एक पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, कल दूसरा पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, आज शब्द तरंग जो है दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द, इसे मैं लिख के आपको उच्चारण करके पढ़ाऊंगी। तो एक बार हम पहले सूरज निकला कविता पढ़ लेते हैं। ओके, आप लोग इसे याद किए थे? आपको बोली थी ना? चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्या है कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लिखाते हैं आपको। सूरज निकला धूप खिली, दूध वाला आया, रामू दूध पी, काजू व खजूर खा, मदारी ने डमरू बजाया, भालू झूम झूम कर नाचा, झूरी पूजा पूनम आना, फूलदान पर फूल सजाना, खरबूजा तरबूज शहतूत और अमरूद खाना, खाकर अपना खून बढ़ाना, आलू कचालू भून कर खाना, सूप मूली पूरी भी खाना। तो यह नहीं बहुत प्यारी सी कविता, आप इसे याद कर लिए हैं? नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं शब्द तरंग, जिसमें हम शब्द तरंग नहीं लिखे, लिखते हैं की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पेज नंबर 21 से दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए कौन कौन सा शब्द है। फूल, क्या है फूल? फूल हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए पहले बोलेंगे इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, कौन सा वर्ण आ रहा है। इन बातों का हम ध्यान रखते हुए पहले बोलेंगे। तो क्या आपको बोलना है? फूल। तो ह में कौन सी मात्रा आ रही है, बोलिए बच्चों। फूल, तो फूल यानी कि ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो हम यहाँ लगा दिए मात्रा। और ल, ल में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम सीधा यहाँ ल लिख दिए। तो ये क्या हो गया, कौन सा शब्द? फूल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे धूल। धूल लिखने के लिए फिर हम बोलेंगे धू। तो पहले ध लिखते हैं और इसमें मात्रा कौन सी आ रही है, बोलिए धू। कौन सी मात्रा? स्वर ध्वनि क्या निकल रही है? ऊ, दीर्घ ऊ, यानी कि टाइम लग रहा है, तो ये समय लग रहा है, बोलिए धू। तो टाइम लग रहा है ना, तो ये दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाए। तो यहाँ लगा दिए हम दीर्घ ऊ और ल। ल पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम सीधा यहाँ लिख दिए ल। तो हो गया ल दीर्घ ऊ धू ल धू। फिर हम लिखेंगे धूम के बाद कौन सा वर्ण है, शब्द है धूप। तो हम बोलेंगे धूप, इसमें भी आ गया ना दीर्घ की मात्रा, तो लिखेंगे ध दीर्घ धूप धूप। फिर धूप के बाद लिखेंगे हम झूल, झ पे भी आ रहा है।
did you go last? Goal. ये हो गया। फिर आगे देखिए, दूसरे लाइन में क्या है? सूरज। हम लिखेंगे सू, यानी कि सादिबू। हमें हमेशा यह ध्यान देना है, अगर हम कोई भी मात्रा वाले शब्द अगर बोल रहे हैं तो उसका स्वर ध्वनि, जहां मात्रा लग रहा है वहां स्वर ध्वनि क्या निकल रही है, जो ध्वनि निकलेगी उससे हमें अंदाजा मिलेगा कि ये कौन सी मात्रा लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्वर ध्वनि के। जब भी हम किसी शब्द को बोलेंगे और जहां मात्रा आ रही है वहां ध्वनि क्या निकल रही है, आशे मृतक ए से अंतर, इसी में से आता है ना, तो वही स्वर ध्वनि जब निकलेगी तो हम इससे समझ जाएंगे ये क्या चीज की मात्रा है। तो यहाँ हम बोलेंगे सूरज, सूरज। देखो की मात्रा आ रही है ना, यानी कि जब हम सूरज बोलते हैं सूरज सू पे समय लगता है, तो ये दिन कू की मात्रा होगी। इस तरह से हम लिखेंगे सा दिन कू सू रा जा सूरज। समझ गए बच्चों? फिर आगे देखिए कौन सा शब्द है? नूतन। फिर नाम में क्या आ रहा है? दिन कू की मात्रा, बोलिए नू का ना नूतन। नाम में टाइम लग रहा है तो दिवू की मात्रा हो गया नूतन। फिर है सूरत, वही बात है सारे में, स दिवू र त सूरत। फिर है मूरत, म दिवू मू र त मूरत। चूड़ी
भालू भ आकार भा ल दीर्घ भालू। फिर कौन सा शब्द होगा दीर्घ की मात्रा वाले? जून ज दीर्घ
भालू जून, मूरत सूरत, कबूतर पूरी, नूतन डमरू, खजूर तरबूज दूध। समझ गए? तो इस तरह से आप दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ें, पहले उच्चारण करके फिर बिना उच्चारण के सीधा शब्द। जब आप उच्चारण करना सीख जाइएगा, उच्चारण के साथ पढ़ना सीख जाइएगा, तो आप सीधा शब्द भी पढ़ना सीख ही जाइएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक इसे याद करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।